बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन मुश्किलात के तीन हल। अगर शहवत में मुबतला हो तो अपनी नमाज में तजदीद नज़र करो, ज़रूर नमाज में सुस्ती करते होगे। सूरह मरियम आयत नंबर 59। फिर उनके बाद ऐसे नाअहल लोग आए जिन्होंने नमाज को बर्बाद कर दिया और ख्वाहिशात की इत्तिबा कर ली। अगर तुम अदम तौफीक और बदबख्ती का शिकार हो तो अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ तुम्हारा राबता दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इस बारे नज़र सानी करो। सूरह मरियम आयत नंबर 32। और अपनी वालिदा के साथ उसने सलूक करने वाला बनाया है और जालिमों बदबख्त नहीं बनाया है। अगर रोज़े की तंगी और ज़िंदगी की मुश्किलात में मुबतला हो तो कुरान करीम के साथ अपना राबता दुरुस्त करो। सूरह त्वाहा आयत नंबर 124। और जो मेरे ज़िक्र कुरान और सुन्नत से एराज़ करेगा उसके लिए ज़िंदगानी तंग हो जाएगी।